ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, राइट। हम लोगों ने यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कर लिया है, राइट ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बता दिया था मैंने, इसके आगे आज करना है, यहाँ से शुरू करना है ना, ठीक है। इससे पहले डिविजन ऑफ वर्क को छोड़ के ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉइंट था उसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? यस, कौन एक्सप्लेन? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ वर्क था पहला, फिर था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक ही साथ था, पावर ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही साथ। हाँ, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिल्कुल सन्नाटा है क्लास में। यस, ठीक है, actions to be performed, ठीक है। और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको ऑर्गेनाइजेशन के? ये तो आपने दोनों टर्म को डिफाइन कर दिया। और अपना काम करता भी है और करवाता भी है, ठीक है ना। इसीलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो पैरेलल टू ईच अदर, गो हैंड्स इन हैंड, दोनों एक साथ दी जाती है ताकि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कर सके और अथॉरिटी का मिस यूटिलाइजेशन ना कर सके। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही पैरेलल में उतना ही ज्यादा आपको अथॉरिटी दी जाती है। क्लियर? क्या हुआ, किसी ने बताया नहीं? कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कौन एक्सप्लेन कर सकते हैं डिसिप्लिन? हाँ, रोल नंबर 132, यू वांटेड टू से समथिंग क्लास में, प्लीज साइलेंस। या रोल नंबर 132 कुछ बोलना है क्या? नो, ठीक है। डिसिप्लिन को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? डिसिप्लिन भी थर्ड पॉइंट था। अब कोई और? यस, बोलो, सिंपल है, सब में क्या पढ़ना, बिना पढ़े बताइए जो जानते हैं आप। Discipline are the protocols which are done by the organization so that their staff and members follow rules and regulations. ठीक है, इससे फायदा होगा, you have a respect for your authorities, yes, obedience, कोई confusion नहीं होता है और insubordination नहीं होता, यानी senior आपसे काम करने के लिए बोल रहा है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिसिप्लिन में दोनों तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है, आपको मोटिवेशन दे करके, आपको रिवॉर्ड दे करके और आपको पनिश करके, ठीक है ना। अगर आप नहीं करते हैं तो पनिश करके, और अगर आप करते हैं तो आपको रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन दे करके, ताकि आप और भी करते रहे, ठीक है। तो डिसिप्लिन मेंटेन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, अगर वहां पे डिसिप्लिन नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, कहीं भी कोई लूपहोल्स आ सकता है। क्लियर? यूनिटी ऑफ कमांड तो एक्सप्लेन कर ही दोगे। यस, यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल वे में, वन सीनियर वन सबॉर्डिनेट, वेरी गुड। यानी कि सारे डायरेक्शन, सारे जो भी गाइडलाइंस है, वो ये सारे टास्क जो असाइन किए जाएंगे वो एक आदमी को सिर्फ एक ही बॉस से मिलेगा, सो दैट कि मल्टीपल बॉस का जो कॉन्सेप्ट था फंक्शनल फोरमैनशिप पे, उसको हम हटा सके, टू इरेडिकेट, टू रिमूव कंफ्यूजन, टू एलिमिनेट कंफ्यूजन, राइट ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप इससे कम कर सकते, नहीं तो चारों बॉसेस आपस में लड़ने लगेंगे, राइट कि आपका काम करता है, मेरा काम नहीं करता, काइंड ऑफ। समझ में आया? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? ठीक है, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी टीम टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स वन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सारा प्रयत्न एक ही दिशा में जब लिया जाता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो जरूरी है क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा सब लोग प्रयास कर रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, तो क्या होगा, आप बढ़ जाइएगा, जो आपका एक गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाइएगा, राइट। तो वो सारा एफर्ट, सारा 100% जो आप दे भी रहे वो भी यूजलेस हो जाएगा, राइट। इसीलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी जरूरी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ. सबऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? सबऑर्डिनेट का मतलब तो तुम लोग कम से कम समझते हो, राइट? सबऑर्डिनेट का मतलब क्या देख रहे हो? ज्वाइन किया है तुमने, पीडीएफ देख रहे हो? ठीक, ओके. अब सब लोग मत बोलो, मैं लिख रही हूँ. सबऑर्डिनेशन ऑफ, ये फर्स्ट नहीं है, आज का फर्स्ट है, ये सिक्स है. सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? सबऑर्डिनेशन का मतलब नीचे का ना, सबऑर्डिनेट, निम्न स्तर का, हायर से लोअर लेवल पे. अब सबऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं, सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी कि एक आदमी का जिसमें हित हो उसको नीचे रखो ओवर जनरल इंटरेस्ट, जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हित है उसको ऊपर रखो. ठीक है, अब चाहे ये एक आदमी कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर ही क्यों ना हो, सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए अगर सारे पॉलिसीज बनाए जाएंगे, बाकी सब लोग सफर करेगा, गोल सफर करेगा. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है उसको ना आप नजरअंदाज कर देते हैं, वहां के अन्य लोगों का ग्रोथ को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल सेंट्रिक इंटरेस्ट आप बनाते हैं, तो ठीक है, ये तो ठीक अच्छा खासा कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरा ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट हो जाएगा. ठीक है ना, प्रोडक्शन रुक जाएगा. समझ में आया? इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना, इसको सेकेंडरी प्लेस दो, ठीक है ना, इसको नीचे रखो, और जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हित में है उसको ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए. जैसे कि एक एग्जाम्पल देते, अगर देश का कोई मुखिया बन जाए, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ देश का पूरा जो सब कुछ उनके ऊपर है, मान लो हमारे देश के पीएम है, ठीक है ना, अब वो ऐसे ऐसे पॉलिसीज को संसद में ला करके कानून के तहत और सबसे मनवा करके साइन करवा ले, जिससे सिर्फ नेता और संसद में रहने वाले जो लोग हैं और जो पीएम है यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव है, सिर्फ उन्हीं का हित हो, बाकी पूरे देश का कोई हित ना हो उसमें, वो देश कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगा? कुछ दिन तक, ठीक है ना, दो साल, चार साल, पांच साल, दस साल, फिर तो गुलामी तय ही है, क्योंकि कुछ लोग ही उसमें बेहतर करेंगे, पूरा देश नीचे की तरफ चला जाएगा. तो ऐसा इंटरेस्ट, ऐसा कोई भी नियम कानून या ऐसे किसी भी पॉलिसी को फेवर नहीं करना है जिसमें किसी एक या दो इंडिविजुअल के बारे में आप सोचते, आप जनरल के बारे में सोचे और वही नियम या वही पॉलिसी या वही तरीका अडॉप्ट करिए जो सबके फेवर में है, किसी एक के फेवर में नहीं है. Got this point? Next class में पूछेंगे तो फिर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ एक दो बच्चे बोलेंगे. हाँ, yes ma'am. फिर yes ma'am उठ जाओ, कौन बोल रहे हो? Yes ma'am भी बोल रहे हो ना, कोई कोई नहीं जवाब देगा? अभी नहीं समझ में आया वो तो मैं बोल ही दूंगी. मैं ये अच्छी फिर से बताती हूँ. Subordination of individual interest over general interest. किसको समझ में आया? अब यही बता दूँ. ठीक है, शिवम. Yes, काम करो. ऐसे बताओ कि जिसको नहीं समझ में आया उसको समझ में आ जाए. कंफ्यूज मत करो. ठीक है, ट्राई. और इधर आ. जैसे मतलब हम लोग अगर पांच भाई हैं और घर में कोई पहले इस पॉइंट को लाइक जस्ट कि इसमें होता क्या है कि पूरा यूनिटी का जिधर सपोर्ट है और जिधर कम मेंबर्स है, एक या दो लोग का सपोर्ट है, तो उसको छोड़ के हम लोग यूनिटी पर फोकस करते हैं कि यूनिटी का सपोर्ट जिधर है. लाइक जस्ट इसी क्लास में 140 अगर स्टूडेंट है और पांच लोग बोल रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास चलनी चाहिए और बाकी के लोग बोल रहे हैं कि यही शिफ्ट सही है, तो बोर्ड मेंबर जो है इस पे फोकस करेंगे जहां मेजोरिटी होगी. ठीक है, चलो. और कोई बोलना चाहता है? बैठो. हाँ ठीक है, वही से ट्राई करो, थोड़ा लाउड की सुने सब. शाबाश, वो ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है. ऐसा कोई पॉलिसी ना बनाए. अच्छा ठीक है, बैठ जाओ. तुमने जैसे बोला ना कि पांच लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये मॉर्निंग शिफ्ट होनी चाहिए, बाकी लोग, ये मेजोरिटी की कहानी नहीं है कि जो बाकी के लोग बोले वो करिए, ये कहानी कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का हित हो, जिसमें मैक्सिमम लोगों का भला.
ठीक है ना। तो मान लो कि मॉर्निंग शिफ्ट करने से मैक्सिमम लोगों का अच्छा होता है, सारे स्टूडेंट क्लास कर पाते हैं, तो फिर मॉर्निंग एक आध की तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, उनको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। उनको अपना टाइम थोड़ा सा मैनेज करके आना पड़ेगा। मैं फिर से आपके लिए एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, इस पॉइंट का मतलब हुआ सबऑर्डिनेट मतलब होता है नीचे, ठीक है ना। हम लोगों ने सीनियर सबऑर्डिनेट कई बार यूज किया, इवन अभी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ने भी ये यूज किया था। सबऑर्डिनेट मतलब सबऑर्डिनेट, सब ऑर्डर, नीचे का ऑर्डर। तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसके निचले इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम महत्व दिया जाना चाहिए, जहां पर जनरल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यानी कि जहां पर सबके भले की बात हो रही है, वहां पर किसी एक के भले को महत्व देकर के उस पॉलिसी को नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि एक का ग्रोथ शॉर्ट पीरियड के लिए तो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी मान लो संसद में जितने भी पार्टीज है, बीजेपी के पार्टी वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, और अधिक वोटिंग अगर उनके बनाए गए किसी पॉलिसी पर होती है, सपोज करो कि वैसे पॉलिसीज है जिसमें सिर्फ एमपीज एमएलएज का ही भला हो रहा, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी हमारा तुम्हारा कोई भला नहीं हो रहा, तो बस वो वैसे ही पॉलिसीज लाए, वैसे ही नियम लाए और उसको पारित करवा दे, तो इसमें उनका बहुत अच्छा हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अगर देश खराब हो, देश बिकेगा तो वो भी उसमें आएंगे, लेकिन सबसे पहले उनका मान लो थोड़ी दिनों के लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है, दे कैन कलेक्ट 50 जो होता है ना प्रॉपर्टी वो बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन बाकी का देश क्या होगा, सफर करेगा ना, क्योंकि बाकी के लोगों के तो नीड को आपने सेक्रीफाइस कर दिया अपने हित के लिए, तो वैसा देश का धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर ऐसे ही किया कि हमारे एक दो लोग बहुत फेवरेट है, हम इन दोनों लोगों को ध्यान में रखते हुए सारे पॉलिसी बनाते हैं, ये दोनों तो चलो कुछ दिन तक ज्यादा अच्छा कर लेंगे, लेकिन बाकी के लोग अच्छा नहीं करेंगे, जब बाकी के लोग अच्छा नहीं करेंगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका सपोर्ट चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए, समझ में आया। इसीलिए इन्होंने कहा था कि ये रूल, ये प्रिंसिपल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर मेजोरिटी का नहीं, जहाँ पे जनरल इंटरेस्ट की बात हो रही है वहां पे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, एक दो लोगों के लिए आपको नियम कानून चेंज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझ। एक दो लोग मतलब एक दो लोग इंटरेस्ट मतलब होता है हित, फायदे, ये इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, एक मिनट कोई बच्चा है, सब लोग वीडियो ऑन कर लो, रोल नंबर 42, 39 एब्सेंट मार्क, ठीक है सर, बाकी सब लोगों का ऑन है 69। मैम मेरा कैमरा खराब हो गया इसलिए ऑन नहीं रख रहे हैं। 42 ने अभी ऑन कर लिया है अल्दो, खैर ऑन रखिए। मैम मेरा मैम कैमरा खराब है इसलिए ऑन रख, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन का मतलब किसी को मालूम है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप में से किसी को मालूम है? नो मैम, नहीं मालूम है, ठीक है। सुनिए, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, ठीक है ना, कॉम्पनसेशन, जो हम लोगों ने सिर्फ पता है रेम्यूनरेट करना मतलब आपकी सैलरी क्या है, क्या आपको रेम्यूनरेशन मिलता है आपके काम के बदले में, जो आपको दिया जाता है वो क्या है। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, आप वहां पे याद करो साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी एक रेम्यूनरेशन से रिलेटेड पॉइंट था, वो पॉइंट क्या था? वेरी गुड, शाबाश, किसने कहा? शाबाश, क्या नाम है? बहुत जल्दी आपने जवाब दिया, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, ठीक है ना। डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम भी सैलरी से रिलेटेड था कि किस तरीके का सैलरी हमको पे करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इन्होंने उस डिफरेंशियल के बारे में कुछ नहीं कहा, ये जस्ट सेड अबाउट कि रेम्यूनरेशन जो है दैट इज इसका ही सिनोनिम्स है सैलरी, ठीक है ना। तो जो सैलरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए एम्प्लॉयज के लिए, वो इक्वल होना चाहिए, फेयर वेजेज होना चाहिए। फेयर वेजेज मतलब अगर कोई आदमी पटना में काम कर रहा है और कोई बॉम्बे में काम कर रहा है, तो दोनों के खर्चे में कॉस्ट ऑफ लिविंग में अंतर है ना,
है ना, यहाँ के खर्चे में और बॉम्बे के खर्चे में कंपैरेटिवली अंतर है, तो वहां का जो वेजेज है वो वहां के कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से होना चाहिए और यहाँ का जो वेजेज है वो यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से होना चाहिए, प्लस वो इतनी होनी चाहिए कम से कम जिसमें आपके सब्सटेंशियल नीड्स कवर हो जाए, यानी आपके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके बारे में एम्प्लॉय को चिंता ना करना पड़े, क्योंकि अगर वो पूरे दिन यही सोचते रहेगा तो वो काम पे एब्सेंट रहेगा, मतलब फिजिकली प्रेजेंट रह के भी एब्सेंट रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके लाइफ में रहेगी जिसको वो सुझाता रहेगा कि तोड़ जोड़ में लगा रहेगा। इसीलिए जो रेम्यूनरेशन है वो इक्वल बेस्ड इक्विटी बेस्ड होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इसको पे करने में, फेयर वेजेज होना चाहिए यानी कि सब्सटेंशियल नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए ताकि उनकी जो जरूरतें हैं उसका निर्वहन हो सके। क्लियर, इन्होंने रेम्यूनरेशन के बारे में यही बोला था, समझ में आए? एंड रेम्यूनरेशन का मतलब अब तो मालूम है सबको, ठीक है। नाउ इससे क्या होगा कि वो डेडिकेशन से काम कर सकेंगे, वो जहां है वहां पे मन लगा के काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो हमेशा दूसरे तीसरे नौकरी के बारे में सोचते रहेंगे, कहाँ पे 500 ज्यादा मिले, कहाँ पे 1000 ज्यादा मिले, ये सब उनके दिमाग में चलता रहेगा तो वो यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये फेयर वेजेज होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, 8th पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन 8th पॉइंट है, अभी हम लोग 8वें पॉइंट पे ही हैं, अभी और भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन जितना समझ रहे होता तो समझ के आगे बढ़ रहे हैं ना, क्या ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? देखो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क अगर कहोगे तो अब तो फिर ये आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका काम अच्छा है तो उसको जाना, उसका काम खराब है तो उसको खराब है, ठीक है ना? जैसे कि आपको डिफरेंशिएट मत करिए, आप एक इक्वालिटी बेस दीजिए, मतलब कि सेम जॉब के लिए सेम तरह का पे, ठीक है ना? या इंसेंटिव्स आर ओवर एंड अबव योर फिक्स्ड रेम्यूनरेशन सैलरी, ठीक है ना? इंसेंटिव को हम बाद में डालेंगे, इंसेंटिव सैलरी का पार्ट नहीं है। अब अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ये डिफरेंशियल वेजेस का सिस्टम नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल वेजेस में एफडब्ल्यू टेलर ने इंसेंटिव्स का जिक्र नहीं किया था। अब ये फिक्स है 5,000, ठीक है, या फिक्स से 15,000 कहाँ से आ रहे ठीक है क्लास प्लीज। अब मैंने कहा मालूम 15,000 फिक्स्ड रेम्यूनरेशन है, आप काम जैसा भी कर रहे हैं, आप भी आ रहे हैं काम कर रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको सैलरी मिलेगी 15,000 प्लस, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, अपने जो बेंचमार्क है उसको हमेशा ही सीट करते हैं तो प्लस वरना होता है अलग अलग तरीके से किस किस माध्यम से हम मोटिवेशन दे सकते हैं, ठीक अभी समझ में आया? रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज मतलब फेयर, जिसमें उनके सब्सटेंशियल नीड को आप सेटिस्फाई कर सकते, उनकी जरूरी चीजों को फुलफिल किया जा सके। अच्छा ठीक है, अब 8th पॉइंट पे आते हैं, क्या है ये 8th पॉइंट? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना हिंदी में, यानी कि सारे डिसीजंस एक पॉइंट पर लिए जाते हैं और नीचे के जितने लोग हैं दे हैव टू जस्ट फॉलो दैट डिसीजन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन टर्म का इस्तेमाल किया हेनरी फ्योर, लेकिन इनका भी जो एक्सप्लेनेशन है सेंट्रलाइजेशन का वो ये नहीं है कि ऑल द डिसीजन शुड बी टेकन एट वन प्लेस। ही डिफाइंड सेंट्रलाइजेशन लाइक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जितने भी बहुत एसेंशियल इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बहुत लॉन्ग टर्म के डिसीजन है जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे या बुरे हेल्थ पर, वैसे जो डिसीजन है वो सेंट्रल में यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लिए जाए, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिए जाए, एक जगह पे लिए जाए, लेकिन सारे डिसीजन इतने इंपॉर्टेंट ही होंगे ये जरूरी तो नहीं है ना। बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ऑपरेटिव गोल्स होते हैं, वैसे डिसीजन को आप क्या करिए,
थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आपके हायरार्की है सबको थोड़ा थोड़ा डिसीजन लेने का फ्रीडम दीजिए, सब अपने काम से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा डिसीजन ले सके, अपने रिसोर्सेज से रिलेटेड छोटे मोटे डिसीजन ले सके। डिसीजन जरूरी नहीं है कि सारे डिसीजन आपको आपके बहुत बड़े बहुत सीरियस बहुत स्ट्रेटेजिक ही होंगे, तो जो बहुत सीरियस काइंड ऑफ डिसीजन है वो आप लीजिए, केंद्रीकरण उनका करिए, लेकिन एल्स जो है छोटे छोटे डिसीजंस वो आप हर लेवल पे उनको फ्रीडम दीजिए कि वो भी अपना कुछ डिसीजन ले सके, अपने तरीके से काम को कर सके। समझ में आया? तो सेंट्रलाइजेशन होते हुए भी कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ही है ये भी, राइट? डिसेंट्रलाइजेशन में कंप्लीट छूट दे देते हैं हम, हर लेवल पे हम ज्यादा पावरफुल बनाते हैं हायरार्की के डिफरेंट डिफरेंट हेड्स को, लेकिन सेंट्रलाइज में हम जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो एक जगह लेते हैं और जो कम इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो सबको हम लेने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। समझ में आया? किसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी बोला तो या हाँ स्ट्रेटेजीज बनाएंगी, अगर मान लो उनको किसी दूसरे कंट्री में जाना है तो किसका, जैसे मारुति सुजुकी एक साथ आए हैं तो कैसे ज्वाइंट वेंचर पे एंटर करना है, किस कंट्री में जाना है, बड़े बड़े वो भी डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन जैसे, वेरी गुड। छोटा छोटा डिसीजन ये हो सकता है यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है ना, इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये एक प्रॉब्लम डाल के रख सकती है, सुड वी नीड टू इंट्रोड्यूस ड्रेस कोड, यस और नो, पोलिंग करा लीजिए, सबको पार्टिसिपेट करा लीजिए, सब ये डिसीजन दे सकते हैं, फिर आपको जो करना है करिए। तो हुआ छोटा छोटा डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजंस मतलब जिसका, जैसे कि आपके आपके डिपार्टमेंट में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम आपको लगता है कि क्वालिटी हर बार उस प्रोडक्ट का खराब हो जाता है, तो अब क्या डिसीजन हमेशा टॉप लेवल ही उसके लिए डिसीजन ले, जरूर नहीं है, वो आपको बोले कि देखो इस क्वालिटी को एनहांस करने के लिए तुम्हें जो सही लगता है वो डिसीजन लो, ऑब्वियसली डिसीजन आप लेंगे, आप उनको प्रपोजल के रूप में प्रपोज करेंगे, दे विल रिवाइज और स्क्रूटिनाइज दोज प्लानिंग जो भी है आपका या प्रपोजल है, अगर उनको सही लगेगा तो दे विल गिव यू द अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्लान, राइट? फायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, रिवॉर्ड मिलेगा आपको, नुकसान हुआ तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन तो हो रहा है ना आम लोगों को, इससे क्या होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होता है उस जगह के प्रति, ठीक है ना? अभी क्लियर हुआ सबका? क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट है जो इसमें पॉइंट सेंट्रलाइजेशन के बाद, ठीक, स्केलर चेन है, ये थोड़ा समझ लो क्योंकि स्केलर चेन शॉर्ट नोट्स में आता है और आपसे इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है ना? स्केलर चेन इज द 9th पॉइंट, हटा देती हूँ, क्या हुआ, कुछ बात क्यों कर रहे हो? नथिंग मैम, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्केलर चेन, 8 हो चुका है ना, 9th पॉइंट, ठीक है, स्केलर चेन एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, यानी स्केलर चेन जब भी आप नाम सुनेगा इसको फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं इसको समझा देती हूँ। सपोज करो कि ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और ये हायरार्की है, लाइक ए बी सी डी, फोर हायरार्की आपको दिख रहे होंगे अलग अलग, चार लेवल पे हमने बता दिया, अब इधर ई एफ जी डिफरेंट हायरार्कीज आते हैं, दे आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। अभी स्केलर चेन क्या बोलता है कि अगर डी को कोई कम्युनिकेशन ए तक पहुंचाना है या डी को कोई कम्युनिकेशन एफ तक पहुंचाना है तो ये कैसे जाएगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये सिंपल वे है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, ए तक पहुंचा, अब ये ई तक पहुंचा और अब ये एफ तक पहुंच गया, यानी कि डी से लेकर एफ तक जितने भी लोग बीच में आते हैं एवरीबॉडी नोज अबाउट द कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, कहीं कोई क्या है कंफ्यूजन नहीं है कि क्या चल रहा है इसके और इसके बीच में। समझ में आया? ये इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन ये क्यों जरूरी है, तो हम ट्रांसपेरेंसी, ये एक पॉइंट, इससे भी पहले हमने एक
ये पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, टू इंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड दिस इज मैंडेटरी. व्हाई? क्योंकि डी के बॉस तो सी भी है, बी भी है, ए भी है, राइट. तो डी को काम ये भी एलोकेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है. लेकिन जब डी एक चैनल से पहुंचता है यहाँ तक और ये एक चैनल से उसको रिवर्ट भी करते हैं, तो ये क्या काम कर रहा है? एवरीबडी नो, ठीक है. तो ये किस काम में बिजी है? अगर ए को मालूम रहेगा कि एफ ने उसको कोई काम असाइन कर रखा है जिसमें वो ऑलरेडी बिजी है, तो ए बी सी कोई इसको दूसरा काम नहीं देगा. समझ में आया? तो ये कब पता चलेगा? जब सबको इन्फॉर्मेशन रहेगा कि क्या काम हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन या क्या कम्युनिकेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर किया गया. अदरवाइज अगर ये डायरेक्ट चला जाएगा इस तक, तो सी बी ई नोबडी कम टू नो कि क्या है या कैसे भी है. जस्ट सिंबल आपको जैसे खड़ा करना चाहते हैं, जस्ट हायरार्की. मैं आपको बस समझा रही हूँ कि सपोज करो टॉप पे है, उसके बाद फिर ये भी टॉप पे ही है मान लेते हैं, ठीक है ना. इसके बाद फर्दर ये ऊपर ही जा रहा है, ये सीढ़ी है. तो क्या होगा कि अब अगर इसको डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लिया तो ई ए बी एंड सी डज इट कम टू नो कि क्या हुआ, ठीक है ना. इसको लगेगा अब ये तो फ्री, ठीक है ना, इसको कोई भी काम दे सकता है. फिर ये बोलेगा मेरे पास ऑलरेडी काम है, तो कैसे काम है हमें तो पता नहीं. तो ये जो कंफ्यूजन है और कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए और यूनिटी ऑफ कमांड को इंश्योर करने के लिए ये स्कैलर चेन इन्होंने एडवाइस किया है कि अगर आपके पास समय है, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन आप इसी तरीके से कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ाइए ताकि सबको मालूम रहे क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है. लेकिन हर समय आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो जरूरी नहीं, कभी कभी इमरजेंसी में बहुत जल्दी भी डिसीजन लेना होता है और उस समय हम वेट करेंगे इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, तो हो सकता है गई भैंस पानी में, मे बी हो सकता है ना. तो अब उस चीज को सेव करने के लिए, प्रॉब्लम से अगर आपको बहुत खतरा है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप क्या करें उसमें, उसके लिए भी एफ डब्ल्यू टेलर ने, सॉरी हेनरी फ्योन ने सजेस्ट किया है कि अगर ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है, पानी चाहिए दो उसको बॉटल, ठीक है. अगर ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप क्या कर सकते हैं, याद रखना ये वर्ड, वी आर फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है ना, गैंग प्लान, ठीक है ना. अब स्कैलर चेन को हमने कहा फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, गैंग प्लान को मैंने कहा इमरजेंसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. इमरजेंसी कम्युनिकेशन भी इसको बोलते हैं और गैंग प्लान भी बोलते हैं कि अगर बहुत इमिडिएटली डी को पहुंचना है ई तक या एफ तक, तो जरूरी नहीं कि वो सारे फॉलो करे, यहाँ तक वो सीधा पहुंच और सीधा ऑर्डर ले और काम करते, लेटर ऑन जो भी एक्सप्लेनेशन है वो चलता रहेगा. लेकिन ये नॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी यूटिलाइज्ड ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन. क्लियर? सबको समझ में आया? क्या कभी कभी यूज करने वाला है ना, बाद में उसको आप एक्सप्लेनेशन देते रहिए, लेकिन वो इमरजेंसी के, ठीक है ना. कभी कभी इमरजेंसी में भी आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है. क्लियर? अब नेक्स्ट ये 10th पॉइंट ही होगा, ठीक है. अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, लेकिन समझ में आ गया तो आप उससे बातचीत मत करो, ठीक है. ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश, ठीक है. ये तो आप बोले कि मैम को मैं जब भी मतलब बताता हूँ वो कोई दूसरा मतलब बता रही हूँ. ऑर्डर का मतलब आदेश होता है, लेकिन यहाँ ऑर्डर का मतलब ये नहीं, जैसे साउंड का मतलब आवाज था, लेकिन जो हमने बताया था हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ आवाज से कोई मतलब नहीं निकलेगा, राइट. वेरी गुड, वेरी गुड. तो यहाँ ऑर्डर का मतलब है सिस्टमेटिक वे से, ठीक है. ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी एवरीथिंग, एवरी रिसोर्सेज इज प्लेस्ड इन ऑर्डर, या वो फिजिकल रिसोर्सेज हो या वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनको आप कैसे ऑर्डर में व्यवस्थित रखिए ताकि काम में हिंडरेंस या ऑब्स्टिकल नहीं आए, ठीक है ना. अब ये आपका क्लासरूम है, दिस इज अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, राइट. एक तरफ है इधर, एक तरफ इधर, बीच में स्पेस दिया गया है, क्यों? मूवमेंट के लिए. अगर इसी को हम जिग जैग बना दे तो गिरने पड़ने का डर रहेगा ना, खासकर
आखिरी क्लास में जहां पर लोग भागते हैं, राइट है ना, भागते हैं तो लगेगा कि कौन कितने गिरे कितने पड़े पता नहीं चलेगा, तो ऑर्डर में रखिए चीजों को सो दैट काम आपका स्मूथली हो सके, राइट। फिजिकल रिसोर्सेस को यानी कि जिस रिसोर्सेस को एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन रखना है उतना ही चीज को एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन रखिए, वहां बीच में कुछ ऐसे ऐसे रख देंगे और फिर क्या होगा, काम को कैरी आउट करने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो सामान लेके जा रहे हैं और ट्रॉली के बीच में कुछ आ गया तो गिरने का डर हो सकता है, नीचे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट में भी गिरने का डर हो सकता है, या फिर कुछ एक्सीडेंट का डर हो सकता है अगर कोई केमिकल आसपास रखा है। तो आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखिए चीजों को, थोड़ा थोड़ा हम लोग सब यूज करते हैं, पेन पेपर शुड बी एट द स्टडी टेबल, राइट। इसको किचन में रखता है कोई? नहीं ना रखते, अपने लैपटॉप को जाकर रख देते हो किचन में या कहीं बेडरूम में या कहीं दूसरी जगह जो आपका रूम है, ताकि वो आपको समय पर मिल जाए, राइट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, राइट। तो वेस्ट ही तो बचाना है आपको, वो टाइम का हो किसी भी चीज का वेस्टेज हो, यू हैव टू मिनिमाइज ऑन वेस्टेज, कटल ऑन वेस्टेज, तो ऑर्डर में रखिए आपका वेस्टेज कम होगा। फिजिकल रिसोर्सेज को, मैन पावर को भी आप वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हैं इफ दे आर अरेंज इन ऑर्डर। आपको मालूम है स्टाफिंग, मैंने आपको बताया है स्टाफिंग यानी स्किल बेस्ड असाइनमेंट ऑफ जॉब, जिसमें जो काम करने की खूबी है खासियत है आप उसको वही काम असाइन करें, नहीं तो अगेन किसी और को कोई काम दे देंगे तो उसका भी टाइम बर्बाद होगा और दूसरे का भी टाइम बर्बाद होगा, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन का तो ओवरऑल टाइम बर्बाद होगा ही क्योंकि ही इज नॉट द सुटेबल पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ऑर्डर में रखें, तो फिजिकल एंड मटेरियल और ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज को ऑर्डर में रखने के लिए यानी राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मैंने बताया था ना पहले भी, राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, अगर ऐसे रहेगा तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं वेस्टेज पे। ठीक है, थोड़ा और टाइम है। इक्विटी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा, अब इस इक्विटी का भी फिनेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, फिनेंस टर्म नहीं है ये। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी, ठीक है, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन। अभी रेम्यूनरेशन में इस टर्म का तो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन इक्विटी में मैं इसलिए यूज कर रही हूँ नो डिस्क्रिमिनेशन। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज ऑफ एनी डिपार्टमेंट एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कास्ट रिलीजन रीजन, ठीक है ना, इस सब चीजों के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिस विल बिकम द रूट कॉज ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है। और ये एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज की रिलेशनशिप को, एंड वी नो अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन, थोड़ा बहुत तो मालूम है सबको इंडस्ट्रियल रिलेशन, नहीं यार इंडस्ट्रियल रिलेशन मैंने बोला था कि किसी भी इंडस्ट्री में अवेज में तीन तरह के रिलेशन होते हैं, बिटवीन एम्प्लॉई एम्प्लॉय बिटवीन एम्प्लॉई एम्प्लॉय एंड बिटवीन द डिफरेंट फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री, याद है आपको मैंने मारुति सुजुकी का केस भी बोला था। तो ये क्या हो गया, ये अगर आप भेदभाव करेंगे तो आपके ही टीम के अंदर आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस डिस्प्यूट के ये एक डिस्प्यूट का जरिया बन जाएगा, दैट बिकम्स द बोन ऑफ कंटेंशन बिकॉज यू डिस्क्रिमिनेट, राइट। व्हाई? बिकॉज दे कम फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, बिकॉज दे कम फ्रॉम योर स्टेट, बिकॉज दे स्पीक द सेम लैंग्वेज यू आर using, because they are following the same religion you are following, right? तो इस तरीके का अगर भेदभाव करेंगे तो क्या होगा, dissatisfaction होगा और disputes होगा employee और फिर this is not good for industrial health, right? इसीलिए equity, यहाँ तक clear है? हाँ, एक और point लेते हैं, last point, उसके बाद attendance, stability of personnel। अब है ही कितना, दो ही बचेगा, लेकिन कोई बात नहीं होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी है स्टेबिलिटी ऑफ स्पेलिंग, देखो PERSONNEL लिखा है मैंने, ठीक है ना, PERSONNEL यानी एल नहीं लिखा है, ठीक है, इट्स नॉट पर्सनल, it's personnel, whenever you use this term it referring human resources, बहुत सारे लोगों के लिए हम use करते हैं personnel, इसीलिए HRM को तुमने HR का full form भेजा था, see मैं भूल जाती हूँ, HR का full form होता है H for human, R for resource, मानव संसाधन, तो या company में HR post होता है, हाँ HR post होता है, हाँ
हाँ एचआर मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, बताती हूँ कैसे तुम्हारे कंपनी में क्यों पोस्ट हो रहा है। हमारे यहाँ एचआरडी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, एचआरडी डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज आते हैं, जिसके अंदर जॉब वैकेंसीज आते हैं, जिसके कौन है बताओ, कौन हट गया, कौन है, अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ठीक है, उसी को एचआरडी भी बोलते हैं। मैंने अभी बोला ना कि उसके अंदर यूनिवर्सिटीज आते हैं, उसके अंदर वैकेंसीज आते हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट का जो भी नोटिफिकेशन आता है, एचआरडी या एजुकेशन मिनिस्टर जो भी आप बोलते हैं वो बोलते हैं। अभी डाउट मत क्रिएट करो, डाउट को क्लियर करो। इसने बोला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी होते हैं एंड एचआरडी डेवलपमेंट मिनिस्टर भी होते हैं, राइट। अब ये क्या है इनका काम, तो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है ना, तो जैसे फाइनेंस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसेस, कैपिटल्स, बजट, कैश फ्लो, बोनस, ठीक है ना, डिवेंचर्स, डिविडेंड, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरह जो एचआर मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रिलेटेड होता है, कितना एम्प्लॉयमेंट करना है, कितना भर्ती करना है, या अगर प्रोडक्टिविटी एकदम स्लो डाउन हो गया है, तो रिसेशन चल रहा है मार्केट में, तो कितना रिट्रेंचमेंट करना है, यानी कितने को निकालना है, ठीक है, ये भी डिसीजन होता है। मोटिवेशन से, ट्रेनिंग से, पेमेंट से, सैलरी या रेमुनरेशन जो हम बोलते हैं उससे, ट्रेनिंग से, अप्रेजल से, सब इंडस्ट्रियल रिलेशन से, सब चीज से चीज को मैनेज करना पड़ता है, किसको, एचआर मैनेजर को। अभी थोड़ा आइडिया हुआ, इसीलिए आपकी कंपनी में जब आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा तो मार्केटिंग मैनेजर नहीं आएगा, ठीक है ना, सबसे पहले एचआर मैनेजर आएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग रहेंगे, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से एचआर का कोई लेना देना नहीं है, तो फॉर टेक्निकल राउंड योर प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे या वो आपसे पूछेंगे, ताकि दे कैन कंफर्म कि आपको कितना आता नहीं आता। लेकिन जो फाइनल आपको ऑफर लेटर मिलेगा, आपको जो टाइमिंग बताया जाएगा, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस तो दी जाएगी, कहाँ आपको ज्वाइन करना है, क्या टाइम रहेगा, क्या वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सब आपको एचआर मैनेजर बताएगा, आपका सैलरी वही तय करेगा ऑन द बेसिस ऑफ affordability of the company, company कितना afford कर सकती है, उसके basis पे salary तय किया जाता है। अब clear हो गया, ठीक है। आपको एक point, ये stability of personnel को आज cover करने वाले थे। Rule number 42 को absent कर दिया ना। Now stability of personnel का मतलब ये तो आपको मालूम हो गया कि this is related with मैन पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये इसको मैन पावर ही बोलते हैं। दिस इज रिलेटेड विद मैन फोर्स, मैन पावर, राइट। स्टेबिलिटी का मतलब आपको मालूम है, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, स्थिरता, ठीक है ना, एक जगह स्टेबल होके रहना। नाउ ही गिव द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हित में होगा ये चीज, अगर उनके एम्प्लॉय उनके पास रुक कर काम करे, टिक कर काम करे, अगर एवरी नाउ एंड देन इफ दे कीप ऑन कमिंग एंड लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का, ठीक है ना, सब चीज का अपना एक कॉस्ट होता है जो कंपनी ने इनकर किया है। आप में से 25 लोगों को 50 लोगों को कंपनी लेकर जाएगी, ठीक है, और उन्होंने आपको 2 महीना 4 महीना खूब अच्छा ट्रेनिंग दिया, खूब अच्छे से सिखाया, और अब आपको कोई प्रोजेक्ट पर वो लगा रहे हैं काम करने के लिए। उसी समय आपके पास किसी तीसरी कंपनी से अच्छा ऑफर आ गया एंड यू स्विच्ड, ये तो 4 महीने की सैलरी तुमने खाई होगी, वो बर्बाद हो गई ना, और ये सिर्फ बर्बादी नहीं हुई उनके लिए, क्योंकि आपने उनके लिए किया क्या, कुछ नहीं। आप ठीक समय पर जब काम करने का टाइम आया था आप चले गए किसी और कंपनी, अब उनका दोहरा नुकसान हुआ, एक तो तुम चले गए, दूसरा फिर से उनको हायरिंग करना पड़ेगा इतने लोगों का, और फिर से उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अगर फिर चले गए तो उनका कंपनी जो है वो कंपनी का ट्रेनिंग स्कूल ज्यादा बन जाएगा, राइट। तो अपनी कंपनी को ट्रेनिंग स्कूल में मत कन्वर्ट करिए, ठीक है ना, डोंट मेक द एनवायरमेंट, कभी कभी एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मली लोग यू ही स्विच नहीं करते, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में उनको लगता है डिससैटिस्फैक्टरी या फॉल्टी पॉलिसीज, तभी वो चले जाते हैं। उसी से बचने के लिए अब बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, लेकिन हम किस जमाने की बात कर रहे हैं, याद रहेगा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरी, राइट। हम अभी बहुत पीछे हैं, अभी ये बॉन्ड वॉन्ड का दिमाग में आया नहीं था ऑप्शन, ठीक है, अब वो तो बाद में, वो खासकर
आईटी और बैंकिंग ने ज्यादा यूज किया क्योंकि एट्रिशन रेट ज्यादा हाई उधर ही है. एट्रिशन मतलब छोड़कर जाने की जो रेट है. अब स्टेबिलिटी और पर्सनल समझ में आए, जितने लंबे समय तक आपके लोग काम करेंगे उतना ज्यादा कम आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कम सुपरवाइज करना पड़ेगा और उनकी समझ उतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आपके लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे विदाउट गिविंग एनी ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस. दे आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ऑफ देयर ओन. तो इससे क्या होगा, बहुत सारा समय और पैसा की बर्बादी रोकी जा सकती है. इसीलिए एटमोस्फेयर या ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वायरमेंट है या जो वर्किंग कंडीशन है उसको ऐसा बनाए जहाँ पे लोग ज्यादा लंबे समय तक टिक के काम करें. तो मैनेजमेंट का एक पर्पस रिटेंशन का भी होता है. मैंने दो वर्ड यूज किया, एक एट्रिशन और एक रिटेंशन. एट्रिशन मतलब एट्रिशन रेट मतलब साल भर में कितने सारे लोग छोड़कर गए, ठीक है. एट्रिशन का मतलब होता है सिंपल द नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. एक और वर्ड होता है टर्न ओवर रेट, ठीक है ना. टर्न ओवर रेट का मतलब होता है कितने, एचआरएम में भी होता है, मैं भी उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कितने लोग गए साल भर में और कितने लोग आए, दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं टर्न ओवर रेट, राइट. अब मैंने एक और टर्म यूज किया जिसको बोलते हैं रिटेंशन. रिटेन करके रखना, रोक कर रखना, अपने यहाँ कितना रिटेन करके आप अपने मैन पावर को रख पाते हैं, ये भी एचआर पॉलिसी का एक अच्छा या बुरा होने का एक पैमाना होता है कि अगर बहुत ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना. क्योंकि सारे एम्प्लॉय के साथ कुछ एक ही जैसा होगा ऐसा नहीं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा है कि लोग नहीं टिक रहे हैं. अगर आपका रिटेंशन पॉलिसी अच्छा है तो एम्प्लॉय टिकेंगे. इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी शुरू में ही आपको लोन दे देती है, गाड़ी खरीद लो ना हम दे दें एकदम 2% रेट पे, 5% रेट पे. क्यों, बैंक से लोगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा. क्यों, क्योंकि जब तक वो लोन चुकेगा नहीं तब तक तुम जाओगे किधर, है ना. तो ये सब रिटेंशन, ये भी है और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पॉजिटिव तरीके ही यूज करते हैं कंपनी अपने एम्प्लॉय को रोक कर रखने के लिए. चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. आई